Hello everyone, I'm Dr. Gaurav Jain, working as a senior consultant in neonatology in Aakash Healthcare Super Specialty Hospital, Dwarka. This year we are celebrating Breastfeeding Week, and as a part of this celebration, the topic is enabling breastfeeding in working mothers. I want to tell you that working mothers get maternity benefit today. They are 6 months until breastfeeding. So this is also an achievement of Indian government. 2017 came. उससे पहले सिर्फ 12 वीक्स की लीव मिला करती थी, अब 26 हफ्ते यानी 6 मंथ्स की लीव मिलती है, जिसमें मदर्स डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले भी इसको एनकैश करा सकते हैं। अब हमें एक चैलेंज आता है, 6 मंथ्स तो हो गए, छुट्टी मिल गई थी, अब आगे क्या करना है। हमें ब्रेस्ट फीडिंग तो आगे भी करानी है। WHO रिकमेंड करती है कि 2 साल तक फीडिंग कराओ। आप क्या कर सकते हो, अब 6 मंथ्स पे आपको खाना भी खिला सकते हो बेबी को इन योर एब्सेंस, तो यू कैन कंटिन्यू। हम लोग क्या करते हैं, टॉप फीड के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई पाउडर फॉर्मूला या गाय भैंस का दूध पिला देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। और भी ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में वर्किंग प्लेस में रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है या क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप अपने कुछ बॉटल्स लेके जा सकते हो और अपने मिल्क को कलेक्ट करके वहाँ फ्रिज में रख सकते हो, और फिर उसको आप स्टोर करके घर पर ले आओ, नेक्स्ट डे फिर बॉटल ले जाओ। तो इस तरह से आप एक साइकिल क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, और बेबी को रेगुलर सप्लाई ऑफ योर मिल्क दे सकते हो। दैट इज़ एन ऑप्शन, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। मदर्स करते भी हैं कई बार, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिन 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए वैसे तो मैंडेटरी है, बट इंडिया में सब जगह अभी अवेलेबल नहीं है। बट येस, नाउअडेज़ मदर्स के लिए क्रेच फैसिलिटी अवेल करा रहे हैं, तो अपने बेबी को वहाँ भी ले जा सकते हो। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैसिलिटेट करते हैं, अब इंडिया में भी ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। आजकल वर्किंग मदर्स में एक टेंडेंसी रहती है, सर 6 महीने बाद मैं कैसे कराऊंगी फीडिंग, तो मैं अभी से टॉप फीड स्टार्ट कर दूँ, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग टेंडेंसी। इसके लिए मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। एक तरीके से माना जाए तो चीटिंग है अपने बेबी के साथ। तो मेरा सजेशन ये है, 6 मंथ्स तक सिर्फ अपनी फीड कराओ, और 6 मंथ्स के बाद ये थोड़ा मैंने जो टिप्स बताए इसको यूज़ करो और अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराओ। सो मैं कहूँगा हैप्पी मदरहुड, थैंक यू।